अस्सलाम वालेकुम, कॉमर्सान के कबीले में खुश आमदीद। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हमारे पास चार स्टेटमेंट्स हैं जो मस्ट इम्पॉर्टेंट है जब भी हम कंपनी या पार्टनरशिप बनाएंगे। पार्टनरशिप में तो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कि कंपनी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने ये स्टेटमेंट्स नहीं दी या इन स्टेटमेंट्स को नहीं देखा तो इट्स डिफिकल्ट टू यू टू अंडरस्टैंड योर पोजिशन ऑफ अ कंपनी और फर्म। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला, इनकम स्टेटमेंट में शोज द ऑपरेशनल रिजल्ट परफॉर्मेंस स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट। इनकम स्टेटमेंट मीन्स यानी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। इट मीन्स कि जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम हो रहे हैं उससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, उसका हिसाब किताब रखना, यानी परफॉर्मेंस देखना। सेकेंड इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शोज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस। एग्जैक्टली, आप यहाँ शो करते हैं फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की कौन सी पोजिशन, इट मीन्स कि आपके एसेट कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है और कैपिटल कितना है। थर्ड इज कैश फ्लो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, यानी कैश फ्लो क्या है या फंड्स फ्लो क्या है स्टेटमेंट। इसमें आप क्या करते हैं, चेक द इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैश ऑफ द बिजनेस, यानी कितना बिजनेस में कैश आया और कितना गया, इस स्टेटमेंट में आप ये चेक करते हैं। फोर्थ इज स्टेटमेंट ऑफ अ रिटेन अर्निंग। इट मीन्स ये एक तरीके की ऐसी रिटेन अर्निंग है तो प्रॉफिट ही, लेकिन आप क्या रिटेन करने थे। रिटेन का मतलब होता है बचा लेना। अब क्या बचा लेना वो हम देख लेते हैं। वो कह रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट। एक तो ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, रिटेन फॉर द फ्यूचर एक्सपेंडिचर और एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। यानी हमें इसमें क्या देखना होता है, अपने फ्यूचर के एक्सपेंसिस को, कि बिल फर्ज अगर वो आ जाते हैं तो हम कैसे पूरा करेंगे। आपके पास तो अमाउंट होना चाहिए एज अ कंपनी, एज अ पार्टनरशिप के अंदर अगर आप है, तो ये थोड़ी कि हर वक्त आप मांगते फिरेंगे या उधार लेते फिरेंगे, ये एक चीज होगी। दूसरी चीज एक्सपेंशन मतलब कि अपने बिजनेस को बढ़ाना। बिल फर्ज कि मेरे पास एक बिल्डिंग ऑलरेडी थी, लेकिन अब मैं एक्सपेंशन कर रही हूँ, यानी मैं बढ़ा रही हूँ, तो मुझे एक और अपने बिजनेस को बढ़ा रही हूँ तो मुझे एक और बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे वो खरीदना है, मैं कैसे खरीदूंगी, तो उस चीज को हमने कैसे जो है ना टैकल करना है। तो वो क्या आ गया, मैं एक पाई चार्ट के लिए समझा रही हूँ। पाई चार्ट इन अ परसेंटेज, इट मीन्स मैंने क्या किया, 100% समझ लें, एक ये इसको गोल रोटी समझ लें, तो 100% है ये आपके पास। और पाई चार्ट वैसे भी एक गोल होता है, क्योंकि आपको पता है पाई एक डेजर्ट है, तो उससे रिजेम्बलेंस की वजह से बताया गया। ठीक, तो ये 100% में से 70% तो मैंने डिविडेंड बांट दिया, लेकिन अब बाकी 30% का मैंने क्या किया वो मैं आपको बता देती हूँ। 10% हो गया रिजर्व्स, यानी इससे मैं क्या करूँगी, मैं अपने एक्सपेंसेस जितने भी होंगे या एक्सपेंडिचर जितने भी होंगे तो वो दोनों ही मैं कर सकती हूँ। यानी अगर मुझे कोई बिल्डिंग लेनी है, कुछ लेना है, तो मैं इससे वो पूरा कर सकती हूँ। तो 10% मैंने इसके लिए बचा लिया। 10% डिबेंचर हो गया। हाँ, ये तो प्योरली जो है डिबेंचर, इट मीन्स ये आपकी उधारी यानी कंटीजेंट लायबिलिटी जो आ जाती है, या नॉर्मल लायबिलिटी भी चुकाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप वो डिबेंचर के लिए रख लिया। और 10% आपने वापस रिटेन कर लिया थोड़ा सा अमाउंट जो अगले किसी कंटीजेंट लायबिलिटी के। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं देखा जाए तो इज नॉट ए कंटीजेंट, ये आपको पता ही होता है कि डिबेंचर आपने लिया है तो ऑब्वियसली उधारी पूरी करनी है, लेकिन अगर कंटीजेंट आ जाएगा तो ऑब्वियसली ये रिलेटेड है कंटीजेंट लायबिलिटी से। ये था मेरा आज का टॉपिक। इफ यू लाइक माय वीडियोस सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल व्हिच इज कॉमर्सदान, और बेल आइकन को भी हिट जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। और हाँ, जाने से पहले अपने लिए, फैमिली के लिए, कंट्री के लिए एसेट बने ना कि लायबिलिटी। फिर अमन अल्लाह।